आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। ह्यूस्टन कोविड वैक्सीन को भारत में इस्तेमाल की मिली मंजूरी। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच आज कैबिनेट मीटिंग कर सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। देश में ओमिक्रॉन के 781 मामले आए सामने। दिल्ली में सबसे ज्यादा 238 केस हुए दर्ज। पीयूष जैन के घर पर जारी रेड हुई है खत्म। बेटे ने कहा कानून पर पूरा भरोसा। समाजवादी पार्टी पर जेपी नड्डा का तंज। कहा झांसा यात्रा निकाल रहे हैं अखिलेश यादव। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद पहली बार देश के गृह मंत्री अमित शाह 31 दिसंबर को अयोध्या दौरे पर आएंगे, जहां वो सबसे पहले भगवान श्री राम लला का दर्शन करके मंदिर निर्माण के कार्यों का जायजा लेने वाले हैं, जिसके बाद अमित शाह GIC मैदान में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां उनके भव्य स्वागत की तैयारियां इस वक्त शुरू कर दी गई हैं। साथ ही पूरे जनपद में जगह जगह पर होर्डिंग भी लगाए जा रहे हैं। अगली खबर रायबरेली से है, जहां कांग्रेस के प्रतिज्ञा सम्मेलन में शामिल होने हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त किए जाने की मांग की है। आगे लल्लू ने हरचंदपुर से कांग्रेस विधायक राकेश सिंह के बगावत का जवाब देते हुए कहा उन्हें पार्टी की नीति पर विश्वास नहीं था और उन्होंने मतदाताओं का अपमान किया है। पिछले समय जो विधायक बना था उसने पार्टी के साथ जताया, पार्टी की नीतियों पर भरोसा नहीं जताया, कार्यकर्ताओं को अपमान किया। इस बार कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी संगठन और पार्टी के वर्कर को टिकट देगी और निश्चित तौर से कांग्रेस हर बार यहां से जीत कर गई है और आने वाले समय में जिस तरह आदरणीय प्रियंका गांधी सड़कों पर संघर्ष कर रही है उस बदलाव के क्रम में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सरकार बना। वहीं बलिया के नरही में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय खेल युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सपा के समय में दंगे होते थे और भाजपा के समय में दंगल होते हैं। अखिल भारतीय पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में आए केंद्रीय मंत्री खेल युवा कार्यक्रम अनुराग ठाकुर ने जनसभा को संबोधित किया, जहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि योगी सरकार में माफियाओं के घरों पर बुलडोजर चलाने का काम भाजपा सरकार ने किया है। जब उपेंद्र जी ने कहा रास्ते में थाना दिखाया, सपा के शासनकाल की याद करवाई, आंदोलन करने पर आगे से गोली खानी पड़ी, हमारा भाई शहीद हो गया। अरे यही अंतर है सपा और भाजपा में। सपा के समय दंगे होते थे, भाजपा के समय दंगल होते हैं, कुश्ती होती है मेरे भाइयों का। सपा के समय गोली चलती थी, यहां फुटबॉल गोली की रफ्तार से चलता है मेरे भाइयों का। सपा के समय खिलाड़ियों को दबाने का कुचलने का प्रयास होता था, भाजपा के समय योगी जी टोक्यो ओलंपिक्स के पैरालंपिक्स के खिलाड़ियों को, जिन्होंने टोक्यो में जाकर मेडल जीते उपेंद्र तिवारी जी और योगी जी ने, 31 करोड़ तो एक ही दिन में पैरालंपिक्स के खिलाड़ी।
वहीं लखीमपुर के बेहजम बीआरसी कार्यालय पर संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खंड विकास अधिकारी शिखर श्रीवास्तव और खंड शिक्षा अधिकारी शमशेर सिंह की अध्यक्षता के साथ मुख्य अतिथि कस्ता विधायक सौरभ सिंह सोनू की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न कराया गया। विधायक सौरभ सिंह सोनू ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शारदा कार्यक्रम, समर्थ कार्यक्रम और विद्यालय की सुगमता के साथ साथ विद्यालय प्रबंधन समिति और ग्राम पंचायत के समन्वय, विद्यालय विकास योजना और सामाजिक अंकेक्षण के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। वहीं मिर्जापुर में सरकारी गले की दुकान पर अनाज लेने गए युवक की पिटाई मामले में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। इसका खुलासा एडिशनल एसपी संजय कुमार ने पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता में किया। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन को पूरे मामले की सूचना दी गई थी, जिसके बाद हरकत में आए प्रशासन ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया है। हाँ, देखिए, एक संज्ञान में आया है। 25 दिसंबर को एक मारपीट की सूचना मिली थी, कोटेदार वर्सेज अमरीश शाहनी करके लोग थे, जिसमें क्या कहते हैं अशोक उपाध्याय और धीरज उपाध्याय के खिलाफ 323, 546 में थाना विंध्याचल जनपद मिर्जापुर में अभियोग दर्ज कर लिया गया है। और उसमें विधिक कार्रवाई, जो निरोधात्मक कार्रवाई होती है, वो भी कर दी गई है, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है तथा मौके में शांति व्यवस्था बनी हुई है। ग्राम जोपा, थाना विंध्याचल। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरमैन डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करके अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि मंदिरों के आसपास जो बच्चे भीख मांगते हैं, उन पर लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि देश विदेश से जो भी पर्यटक ब्रज आते हैं वो बच्चों को भीख मांगता हुआ देखते हैं, तो इससे जो संदेश जाता है वो ठीक नहीं है। हमने विभिन्न विभागों से जो अधिकारी आए थे, उन अधिकारियों से सरकार की क्या क्या योजनाएं चल रही हैं और उन योजनाओं का नीचे तक क्या क्रियान्वित हो रहा है पूरा होमवर्क किया है, और कहीं थोड़ी सी भी अगर कहीं ढिलाई दी है तो वो हमने निर्देश दे दिया कि उसको ठीक कर ले। वहीं आगरा में क्राई व स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कब्रिस्तान में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। कब्रिस्तान के अंदर सैकड़ों परिवार झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते हैं। चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट नरेश पारस ने जब सर्वे किया तो पता चला कि सभी लोग अप्रवासी हैं, किसी ने भी वैक्सीन नहीं लगवाई है। उनकी स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वहां नहीं पहुंची थी। क्राई संस्था के वैक्सीन मित्र के रूप में नरेश पारस ने लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया। आगरा में पचकुइयाँ के पास में एक बड़ा कब्रिस्तान है, यहाँ करीब 200 से 250 के परिवार रहते हैं, और ये चूँकि शहर की पहुँच से दूर हैं, इनकी जानकारी शासन प्रशासन के पास में नहीं है और इन लोगों ने किसी ने भी वैक्सीन नहीं लगवाई है। इसको लेकर जब मैंने संपर्क किया तो यहाँ पाया गया कि इन लोगों के बाहर कोई संपर्क नहीं है, न कोई यहाँ पर आता जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर आज स्वास्थ्य विभाग के साथ में एक वैक्सीनेशन कैंप लगवाया है, जिसमें यहाँ पर 50 से अधिक लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। और चूंकि जानकारी में यह आया है कि अधिकांश लोगों के पास में वोटर कार्ड, आधार कार्ड या ऐसे कोई दस्तावेज नहीं है जिनसे ये पहचान हो सके, तो इस बयाप पर कुछ लोग रह गए हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर एक इनके जो आधार कार्ड या ऐसे कोई दस्तावेजों की आवश्यकता है जिससे ये वैक्सीनेट करवा सकें। सरकार को ऐसे लोगों पर ध्यान देना चाहिए जो वहीं फिरोजाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अर्जुन सिंह ने अभियुक्त रियाज मोहम्मद को मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से अवैध शस्त्र बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। यह प्रकरण थाना टुंडला से संबंधित है, जहाँ थाना टुंडला की टीम ने सफलता प्राप्त की एक शस्त्र फैक्ट्री पकड़ने में, और इसमें रियाज मोहम्मद और पप्पू पिस्टल नामक अभियुक्त पकड़ा गया है। एक अभियुक्त मुकीम नाम का मौके से फरार हो गया है। इनके साथ भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं, 10 कट्टे बरामद हुए हैं 315 बोर के, और एक अधबनी राइफल बरामद हुई है 315 बोर की, और भारी मात्रा में अन्य उपकरण बरामद हुए हैं। इनको सुसंगत धाराओं के साथ आज पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जा रहा है, और हम लोगों की सघनता और सतर्कता का लेवल और बढ़ाया गया है आगामी चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए।
और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।